नमस्कार दोस्तों, द बुक सोसाइटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विजय तिवारी आज की क्लास में एक और किताब की श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ। किताब है MPS 002 और किताब का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत एवं समस्याएं। इस किताब में टोटल 17 चैप्टर हैं और आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा यथार्थवादी एवं नव यथार्थवादी उपागम। चैप्टर के पढ़ने के बाद आपको यह पता चलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कितने सारे दृष्टिकोण रहे और उन सभी दृष्टिकोण में यथार्थवादी जो दृष्टिकोण है उसका महत्व क्यों है, आखिर यथार्थवाद है क्या, यथार्थवाद की विशेषताएं क्या हैं, यथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध में यथार्थवाद की जो विचारधारा है उसकी प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं और नव यथार्थवाद क्या है, ये तमाम चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। चैप्टर की शुरुआत यहीं से होती है कि आखिर यथार्थवाद वर्ड है क्या। तो देखो, यथार्थवाद की अगर हम बात करें तो इसे रियल पॉलिटिक भी कहते हैं या इसे राजनीतिक यथार्थवाद भी कहते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि यथार्थवाद को रियल पॉलिटिक कहते हैं। अब रियल का मतलब क्या होता है? रियल का मतलब तो ओरिजिनलिटी, रियल में वास्तविकता में है क्या, सच्चाई में क्या है। तो देखो, जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को गहराई से समझने का प्रयास करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी की पूरी दुनिया एक निरंतर युद्ध की ओर बढ़ रही है, एक ऐसे युद्ध की तरफ बढ़ रही है पूरी दुनिया जिसमें हर एक देश अपने निजी स्वार्थ में लगा हुआ है और इसी वजह से युद्ध हो रहे हैं। तो एक तरीके से यथार्थवाद जो है वो राज्य की प्रकृति का अध्ययन कर रहा है, स्टेट के नेचर का अध्ययन कर रहा है कि आखिर युद्ध हो क्यों रहे हैं, क्या इन युद्धों को रोका जा सकता है। तो यथार्थवाद एक कंक्लूजन देगा कि भाई इन युद्धों को कभी रोका ही नहीं जा सकता, क्योंकि जो ह्यूमन का नेचर है ना वो खुद ही संघर्षशील है। हर एक मनुष्य जो है वो निजी हित की बात करता है, पर्सनल प्रॉफिट की बात करता है और इसी स्वार्थ के चक्कर में उसके टकराव होते रहते हैं। सेम इंटरनेशनल रिलेशनशिप में भी यही होता है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हर एक देश अपने निजी स्वार्थ के लिए आगे बढ़ता है, अपनी शक्ति को बढ़ाता रहता है और उसका हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि वो पूरी दुनिया में अपना दबदबा स्थापित कर सके। इसी वजह से पूरी दुनिया में क्या होता है, संबंध लगातार बदलते रहते हैं और निरंतर छोटे मोटे युद्ध तो चलते रहते हैं और कई बार कुछ बड़े युद्ध भी हो जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र में यथार्थवाद यानी कि रियल पॉलिटिक है क्या, ये बात आपको क्लियर हो गई। यानी कि युद्ध क्यों हो रहे हैं, युद्ध का कारण क्या है, क्या ये युद्ध चलते रहेंगे, ये बताने की प्रयास किया जाएगा यहाँ पर। आज इंटरनेशनल रिलेशनशिप की जो प्रमुख विचारधारा है वो यथार्थवाद है और ये माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति होती कहाँ से है। तो इसकी उत्पत्ति होती है एक बहुत बड़े दार्शनिक रहे हैं, थ्यूसिडाइस। तो थ्यूसिडाइस की बात करें तो इन्होंने 431 BCE में पेलोपोनेशिया के युद्ध के में वर्णन किया था और इस युद्ध का जब उन्होंने वर्णन किया तो वहाँ पर सबसे पहली बार यथार्थवाद की बात की गई कि भाई ये जीवन की सच्चाई है, ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप की सच्चाई कि देशों के मध्य संघर्ष होते रहेंगे। उसी समय एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था संजा, ये चीन के व्यक्ति थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर यानी कि युद्ध की कला। इस पुस्तक में भी हमें यथार्थवाद के बारे में थोड़ा बहुत पता चलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में का जो प्रमुख उपागम ये यथार्थवाद है, इसकी वास्तव में जो शुरुआत होती है वो 20th century में होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो एक विचारधारा और चलती थी आदर्शवाद, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है आदर्शवाद। तो कुछ लोगों का कहना है कि जो यथार्थवाद आया ये आदर्शवाद के विरुद्ध आया। अभी ये आदर्शवाद क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। आदर्शवाद ये कहता है कि जो ह्यूमन नेचर है वो दयालु है, इसकी प्रकृति दयालु है, परोपकारी है और ऐसे में अगर मनुष्य को सही तरीके से रखा जाए तो शायद कभी युद्ध ना हो। तो मनुष्य से मिलकर ही राज्य बन रहे हैं तो ऐसे में राज्य की प्रकृति परोपकारी होती है, राज्य की प्रकृति भी दयालु होती है, अगर हर राज्य इस बात को समझे तो युद्ध कभी ना हो। यानी कि आदर्शवाद कुछ अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में कह रहा है, अगर मैं एक शॉर्ट टर्म में बताऊं तो। हालांकि एक बहुत बड़ी विचारधारा है जिसे हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट दो चार लाइन में आदर्शवाद को समझने का तरीका यही है कि ह्यूमन नेचर अच्छा है, सद्भावनापूर्ण तरीके से हम जीवन यापन करते हैं, परोपकारी जीवन यापन करते हैं, ऐसे ही राज्य करता है, इसी वजह से कभी युद्ध होंगे नहीं, ऐसा आदर्शवाद कहता है। तो यहाँ पर लिखा है कि आदर्शवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया हुआ। आदर्शवाद ये कहता है कि वे सभी देश जिनके प्रॉफिट एक जैसे होते हैं, पर्सनल प्रॉफिट एक जैसे होते हैं, वो हमेशा मिलकर रहते हैं। लेकिन आदर्शवाद की विचारधारा बिल्कुल ध्वस्त हो गई, बिल्कुल बेकार हो गई। क्यों? क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसने इस मान्यता को ध्वस्त कर दिया कि भाई जिन लोगों के पर्सनल प्रॉफिट एक जैसे रहते हों, सामान्य हित एक जैसे रहते हों, वो हमेशा मिलकर रहेंगे, जिनके पर्सनल प्रॉफिट भी एक जैसे हों वो भी युद्ध कर सकते हैं। अब देखो, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली, इन सब के पर्सनल प्रॉफिट क्या थे कि छोटे छोटे देशों को गुलाम बनाया जाए, उन्हें अपने में शामिल किया जाए। अब इनके यही पर्सनल प्रॉफिट टकराव का कारण बने, क्योंकि फ्रांस भी चाहता है वो इंडिया को गुलाम बना ले, ब्रिटेन भी चाहता है, इस वजह से ब्रिटेन और फ्रांस में युद्ध हो रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अगर टाइम पर देखोगे तो जर्मनी एक पावरफुल शक्ति बनता जा रहा है, तो जर्मनी को रोकने के लिए युद्ध हो रहे हैं, इधर अमेरिका भी अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहता है। तो हैं तो पर्सनल ही प्रॉफिट कि हम सब ताकतवर हो जाएं,
बट अब इस ताकत के मध्य संघर्ष चल रहा है। तो आदर्शवाद की विचारधारा यहाँ पर फीकी पड़ गई और एक नई विचारधारा आई जिसे हम कहते हैं यथार्थवादी। और यथार्थवादी इसी बात पर बल देते हैं कि विश्व किस प्रकार का होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विज्ञान विश्व के जिस रूप में, हमें उसका अध्ययन करना चाहिए, हमें रियलिटी से भागना नहीं चाहिए। और वर्तमान विश्व ये कहता है कि जो संबंध हैं वो संघर्षमय हैं। तो अगर हम बात करें, आदर्शवादी इस बात की खोज में रहते थे कि युद्ध के कारण क्या हैं, इनसे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, शांति स्थापित कैसे की जा सकती है। यथार्थवादी कहते हैं सब बात बकवास है, युद्ध होता है स्वाभाविक, युद्ध मानव की प्रकृति में ही है, युद्ध स्वाभाविक होते हैं क्योंकि ये मानव की प्रकृति के में होते हैं, हर मनुष्य अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। जहां आदर्शवाद इस बात पर बल देता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का संचालन एथिकल होना चाहिए, नैतिकता पर होना चाहिए। अब नैतिकता क्या है? नैतिकता यही है जैसे एक व्यक्ति की नैतिकता क्या है। देखो मैं हर एग्जाम्पल ना आपको एक व्यक्ति पर दूंगा ताकि ना व्यक्ति से आप राष्ट्र पर समझें। तो हमारा एथिकल अप्रोच क्या है कि हमें सदा सत्य बोलें, चोरी ना करें, हिंसा ना करें, सबके अंदर दयालु भाव हो, परोपकार का भाव हो। अब ऐसी व्यक्तियों से मिलकर राज्य बनता है, समाज बनता है। ऐसे में राज्य भी यही सोचे कि नहीं यार युद्ध नहीं होने चाहिए, हर एक देश दूसरे के लिए काम करेगा, ह्यूमैनिटी के लिए काम करेगा, तो युद्ध कभी नहीं होंगे, नैतिकता पर चलेगा। लेकिन यथार्थवाद कहता है ये ऐसा कुछ नहीं है। यथार्थवाद कहता है कि शक्ति की राजनीति ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चलती है। शक्ति की राजनीति का मतलब होता है राष्ट्रहित, अपने हित के लिए आप दूसरे पर आक्रमण भी कर सकते हो, ऐसा कौन कह रहा है यथार्थवाद। लेकिन इन शब्दों का अर्थ क्या है, जैसा कि आप इसमें जैसे जैसे इस चैप्टर को पढ़ते जाओगे ना आपकी सोच भाई इसमें खुलती जाएगी। तो यथार्थवाद ये कहता है कि पूरे विश्व का जो मेन एक्टर है, वर्ल्ड का मेन एक्टर होता है राज्य। यथार्थवाद राज्यों को विश्व राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण अभिकर्ता मानता है। यहाँ पर राज्य की जब जब मैं बात करूँगा आप कंट्री से लेंगे, यानी कि विश्व की राजनीति में जो देश हैं ये एक एक्टर के रूप में कार्य करते हैं, एक प्रमुख सब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं, एक कर्ता के रूप में कार्य करते हैं। जब जब हम राज्य की बात करते हैं तो वो राज्य सॉवरेंट होना चाहिए, यानी कि संप्रभु होना चाहिए। संप्रभुता का मतलब होता है कि हम अपने डिसीजन खुद लें। तो जैसे ये बोल रहा है कि यथार्थवाद राज्य को विश्व की राजनीति में महत्वपूर्ण अभिकर्ता मानता है और यहाँ पर राज्य संप्रभु होना चाहिए, यानी कि सॉवरेंट होना चाहिए। सॉवरेंट स्टेट वो होता है जो अपने डिसीजन खुद ले। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, 1947 से पहले इंडिया एक स्टेट था बट वो सॉवरेंट नहीं था, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता था क्योंकि ब्रिटेन उसके डिसीजन लेता था। बट 1947 के बाद इंडिया क्या हो गया, संप्रभु हो गया और वो अपने निर्णय स्वयं लेने लगा। तो संप्रभुता के द्वारा राज्य स्वतंत्र होते हैं और वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। तो ऐसे में जब सारे देश अपने डिसीजन खुद लेते हैं तो क्या होता है, सब अपने अपने निजी प्रॉफिट की बात करते हैं और यहीं से युद्ध की शुरुआत हो जाती है। अब जब हम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका सिर्फ राज्य निभा रहा है, तो हम ये कहते हैं कि राज्य तो हो गया मेन एक्टर, दूसरे जो क्षेत्र होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वो भी भूमिका निभाते हैं, जैसे MNC कंपनियां, अंतर सरकारी संगठन, UNO। आधुनिक विश्व व्यवस्था में इनका स्थान द्वितीय स्थान पर रखा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन कैसे सेट होंगे इसमें एक देश ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन कुछ और चीज़ें भी इंटरनेशनल रिलेशन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे आज MNC कंपनियां देखेंगे आप कि बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे दूसरे देशों में अपने ऑफिसेज खोलते जा रही हैं, और ऐसे मान लो दो देशों के संबंध खराब हो गए तो MNC कंपनियां भी अपने अपने ऑफिस वहां से उठा लेंगी, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी को लॉस पहुंचेगा। तो MNC कंपनियां भी इंटरनेशनल रिलेशन रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। आज भारत अमेरिका का प्रतिकार क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर भारत अमेरिका से उलझता है तो एक ट्रेड वॉर हो जाएगा। इसी प्रकार से बहुत सारे अंतर सरकारी संगठन है, UNO है, तो ये ऐसे संस्थाएं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को ये भी प्रभावित कर रही हैं। लेकिन मेन रूप से कौन प्रभावित कर रहा है, मेन रूप से प्रभावित स्टेट ही कर रहा है, ऐसा यथार्थवादी कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, यानी कि यथार्थवाद क्या है ये बात आपको समझ में आ चुकी है आई होप सो। और यथार्थवाद किस में किसको मेन अभिकर्ता माना जाता है, राज्य को। अब प्रश्न उठता है कि क्या यथार्थवाद एक है या यथार्थवाद भी अलग अलग विचारधारा रखते हैं या यथार्थवाद अनेक हैं। तो जब भी देखो भाई आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप को पढ़ोगे तो इसमें कभी भी आम सहमति नहीं होगी, आप एक चीज़ को मानकर नहीं बैठ सकते हैं। तो इसी वजह से बहुत सारी विचारधाराएं समय समय पर आती रहती हैं, नए नए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, नए नए दार्शनिक आते हैं और फिलॉसफी के वे में वो नए नए तरीके देते हैं, तो ऐसे में सहमति नहीं होती। तो इसलिए यथार्थवाद की भी सीमाएँ नहीं है, यथार्थवाद भी एक नहीं है, यथार्थवाद को भी कई भागों में बांटा गया है। हम यहाँ पर दो यथार्थवादों की बात करेंगे, एक प्राचीन और एक समकालीन, यानी कि नव यथार्थवाद। तो प्राचीन का मतलब है पारंपरिक यथार्थवाद और समकालीन का मतलब है नव यथार्थवाद। तो पुराना यथार्थवाद क्या था, तो देखो पुराने यथार्थवाद की बात करें तो ये राजनीति के एक बहुत बड़े दृष्टिकोण की लीडरशिप करता है और अनेक पीढ़ियों का इसमें रोल रहा है। थ्यूसिडाइस, मैकियावेली, E.H. कार से लेकर हंस मार्गेंथो तक अनेक विद्वान रहे हैं जिन्हें हम पारंपरिक यथार्थवाद से जोड़ते हैं।
प्राचीन यथार्थवाद ये कहता है, मैंने हाईलाइट कर रखा है यहाँ देख सकते हैं आप, प्राचीन यथार्थवाद का मूल मंत्र ये है कि पहले की जो मान्यताएं हैं उसके आधार पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ये कहती है कि इनके बीच में कभी भी संघर्ष समाप्ति नहीं हो सकते। और ये संघर्ष होते हैं किसकी वजह से, शक्ति प्राप्त करने के लिए। और इस संघर्ष की जड़ें हैं कहाँ, तो ये मानव की प्रकृति में, ह्यूमन बिहेवियर में, ह्यूमन नेचर में है। मनुष्य का नेचर ही ऐसा है यार कि वो पता है क्या, ज़्यादा ज़्यादा शक्ति प्रदान प्राप्त करना चाहता है। शक्ति प्राप्त करेगा तो संघर्ष होंगे ही होंगे। तो प्राचीन यथार्थवाद ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष एक ऐसी स्थिति है जो कभी समाप्ति नहीं होगी, और इस संघर्ष की जड़ें मानव की प्रकृति में हैं। यहाँ हम न्याय की बात करेंगे, कानून की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, लेकिन इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, क्योंकि न्याय, कानून, समाज, ये सब चीज़ें जो हैं ये कागजों में बंद कर रह जाएंगी। और ये बात बिल्कुल ठीक भी है भाई, युद्ध को रोकने के लिए, संघर्षों को रोकने के लिए बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय संधि बनी है, नियम बने हैं, कानून बने हैं, बट वो कागजों तक ही सीमित है। रियल में उनका क्या रोल है, कुछ नहीं है। ये प्राचीन यथार्थवाद कह रहा है, यानी कि प्राचीन यथार्थवाद ये मानता है कि जो सिद्धांत हैं वो नीतियों के अधीन हो चुके हैं, वो पॉलिसी के अधीन हो चुके हैं। और ऐसे में किसी राजनेता का कौशल इस चीज़ पर निर्धारित करता है कि उसका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या योगदान होगा। पारंपरिक यथार्थवाद एक चीज़ और कहता है, प्रारंभिक यथार्थवाद जो विकसित हुआ है इसका जो टाइम जोन है वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच में है। तो देखो, युद्ध हो रहे हैं, युद्ध पर चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, युद्ध क्यों हो रहे हैं इस चीज को यथार्थवाद दिखा रहा है। तो कह रहा है पारंपरिक यथार्थवादी शब्द उन विद्वानों के लिए प्रयोग किया जाता है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद लिखना उन्होंने शुरू करा, ये सारे पारंपरिक यथार्थवादी कहलाते हैं। यथार्थवादियों की विशेषता ये है कि वो मानव प्रकृति को पूरा पूरा निगेटिव देते हैं। यथार्थवादियों की क्या विशेषता है कि वो मानव प्रकृति को क्या मानते हैं, मूलतः नकारात्मक मानते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख विद्वानों की अगर हम बात करें तो इनका नाम है रोनाल्ड नेबूर, इसी प्रकार से निकोलस स्पिकमैन तथा हंस जे मार्गेंथू। अनेक विद्वानों का ये विश्वास है कि मनुष्य जो है उसके अंदर शक्ति की लालसा रहती है, और इसी शक्ति की लालसा के लिए मनुष्य लगातार युद्ध करता रहता है। तो पारंपरिक यथार्थवाद कुल मिलाकर क्या कह रहा है कि शक्ति के लिए संघर्ष हो रहा है और ये संघर्ष लगातार चलता रहेगा। ऐसे में जो नियम है, कानून है, संस्थाएं, ये नाम मात्र के हैं, इनका कोई रोल वोल है नहीं, कागजों में है, रियलिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब नव यथार्थवाद क्या कहता है, नव यथार्थवाद की बात करें तो ये 1980 के बाद इसका उदय हुआ है, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था कैनेथ वॉल्टज। तो कैनेथ वॉल्टज इसके जनक माने जाते हैं। ये कहता है, यानी कि नव यथार्थवाद ये कहता है कि भाई देखो, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि कोई एक ऐसी संस्था नहीं है जो देशों को रोक सके। अगर कोई एक ऐसी मजबूत सी संस्था हम बना दें जो विभिन्न देशों को रोक सके, जिसके पास पावर हो, तो शायद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध ना हो। यानी कि नव यथार्थवाद ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अराजकता की स्थिति है। अराजकता का मतलब यह है कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो इन देशों को रोक सके। जैसे देश के अंदर एक संस्था होती है जो देश के अंदर संघर्षों को रोकती है, व्यक्तियों के बीच के संघर्षों को रोकती है, जैसे पुलिस है, सेना है, ये देश के अंदर की व्यवस्थाओं को रोकती है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसी संस्था नहीं है जो देशों के बीच के युद्ध को रोक सके। तो यानी कि यथार्थवादी जो थे प्राचीन वाले, वो तो मनुष्य की प्रकृति को बताते हैं युद्ध का कारण, लेकिन नव यथार्थवादी ये कहते हैं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो बनावट है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की जो संरचना है, इस वजह से युद्ध हो रहे हैं। तो यहां मैंने सब चीजें हाईलाइट कर रखी हैं। पारंपरिक यथार्थवादी कह रहे हैं युद्ध के कारणों, युद्ध का कारण मानव की प्रकृति है, जबकि नव यथार्थवादी ये कह रहे हैं नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संरचना ही अराजकतावादी है। मानव स्वभाव नहीं बल्कि अराजक व्यवस्था की वजह से भय बना रहता है, शंका बनी रहती है, द्वेष बना रहता है, और तभी असुरक्षा जन्म लेती है। यह अराजकता का मतलब है संप्रभु राज्यों के ऊपर, यानी कि जितने भी स्वतंत्र राज्य हैं उनके ऊपर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उनके बीच में संबंध स्थापित करवा सके। और जब कोई ऐसी शक्ति नहीं है तो युद्ध तो होंगे। अब आप कहोगे इस समय यूएनओ जैसी संस्थाएं हैं, तो यूएनओ जैसी जो संस्थाएं हैं ये वास्तव में क्या कर पा रही हैं, आप बताइए। रूस यूक्रेन का युद्ध 1.5 से 2 साल हो गए चलते हुए, अभी तक यूएनओ जैसी संस्था क्या उसे रोक पाई है। इसराइल हमास का संघर्ष हो रहा है, दूसरे विश्व के बाद भारत के पाकिस्तान से 4 बार युद्ध हो चुके हैं, चीन से युद्ध हो चुका है, खाड़ी देशों में युद्ध होते रहते हैं, तो छोटे छोटे युद्ध तो अभी भी नहीं रुके हैं। हाँ, थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ है, तो ये छोटे छोटे युद्धों को रोकने में कहां कोई ऐसी संस्था है जो प्रभावशाली रूप से किसी युद्ध को रोक सके। तो जो नव यथार्थवाद है ये कहता है कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप में कोई ऐसी संस्था ही नहीं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बनी ही इस प्रकार से है कि जिसमें हर एक देश एक खुली दौड़ में है,
और इस खुली दौड़ की वजह से संघर्ष हो रहा है और भाई इसी वजह से युद्ध हो रहा है, ऐसा कौन कह रहा है? नव यथार्थवाद। तो इसमें भी कुछ लेखकों के नाम है, जैसे अगर हम बात करें केनेथ वॉल्टर, हंस मार्गेंतु, रेमेड ऑरो, स्टैनली हॉफमैन, रॉबर्ट गिलपिन जैसे अनेक यथार्थवादी हैं। इसके अलावा आधुनिक यथार्थवादी की बात करें तो एक व्यक्ति जिनका नाम है ग्रीचो, तो ग्रीचो ये कहते हैं ये नव यथार्थवादियों के आलोचक हैं, यानी कि क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इनका मानना है कि हर राज्य ना असीमित लाभ अर्जित करना चाहता है। ग्रीचो क्या कह रहा है? ग्रीचो कह रहा है कि हर देश प्रॉफिट चाहता है और प्रॉफिट भी अनलिमिटेड प्रॉफिट चाहता है, और इसी अनलिमिटेड प्रॉफिट की वजह से क्या होते हैं? युद्ध, क्योंकि आपका प्रॉफिट मतलब दूसरे का लॉस, कभी भी एक तरफा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, ऐसा ये कह रहा है। नव यथार्थवाद का एक और पक्ष है कि ये सुरक्षा अध्ययन के नाम से जाना जाता है। नव यथार्थवादी को दो भागों में बांटा जाएगा, एक होंगे आक्रामक और एक होंगे रक्षात्मक, जिसकी चर्चा हम आगे चैप्टर में करेंगे। तो आगे चैप्टर में हम यथार्थवाद की प्रमुख अवधारणाओं की बात करते हैं। एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि यथार्थवाद की प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं। तो देखो, यथार्थवाद तीन अवधारणाओं पर बल देता है, यानी कि तीन तरीके पर बल देता है। पहला कहता है राष्ट्रहित, दूसरा राष्ट्र शक्ति और तीसरा राष्ट्र सुरक्षा, मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रहित की बात करेंगे कि आखिर राष्ट्रहित क्या होता है। देखो, हित मतलब होता है लाभ। जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की व्याख्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की समीक्षा करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई देश ऐसा क्यों कर रहा है, अगर रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है उसमें रूस यूक्रेन पर आक्रमण कर रहा है तो क्यों कर रहा है, यूक्रेन पीछे नहीं हट रहा है तो क्यों नहीं हट रहा है, अगर हम ये सारी चीज़ें देखें तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है राष्ट्रहित। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की व्याख्या करने में, उसकी समीक्षा करने में राष्ट्रहित की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि इसमें कुछ अस्पष्टता है, प्रश्न ये उठता है कि आखिर राष्ट्रहित है क्या। तो कोई भी देश अपनी फॉरेन पॉलिसी इस हिसाब से आधार इस आधार पर तैयार करता है, अपनी डिप्लोमेसी इस आधार पर तैयार करता है कि आखिर उस देश का प्रॉफिट किस चीज़ में है। जैसे इंडिया की बात करें तो आज़ादी के बाद हमें ऐसा लग रहा था कि हमें सोशलिस्ट अप्रोच अपनानी चाहिए, इसलिए हम USSR के पाले में थे, भले ही हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को अपनाया। आज की डेट में हमें ये लगता है कि हम कैपिटलिस्ट अप्रोच अपनानी चाहिए, तो हम अमेरिका की विचारधारा से जुड़ रहे हैं। तो कोई देश अपना राष्ट्रहित क्या रहे, ये भी समय के हिसाब से बदलता रहता है। राष्ट्रहित की परिभाषा क्या हो, क्या समय और स्थान के हिसाब से राष्ट्रहित परिवर्तित होते हैं, और ये कौन तय करता है कि किसी देश का लाभ क्या है, किसी देश की हानि क्या है, ये कैसे देखा जाता है कि ये लाभ देश के लिए होगा या किसी कम्युनिटी के लिए होगा, ऐसे तमाम प्रश्न हैं राष्ट्रहित से रिलेटेड। यानी कि राष्ट्रहित को आप किसी एक सवाल में नहीं बांध सकते हैं, राष्ट्रहित के लिए एक बहुत बड़ी सोच हमें रखनी पड़ेगी कि एक देश का लाभ वास्तव में क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के लाभ के नाम पर कुछ लोग अपनी झोली भर रहे हों। तो इतिहास का अध्ययन ये स्पष्ट भी करता है कि विभिन्न राजनेताओं ने राष्ट्रहित के नाम पर बड़े बड़े युद्धों को लड़ा है। उदाहरण के लिए जब आप नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ते हो तो उसने रूस के विरुद्ध युद्ध किया और उसने ये दावा किया कि भाई ये युद्ध फ्रांस के क्या है समर्थन में है, फ्रांस अगर इस युद्ध को जीतता है तो ही फ्रांस का प्रॉफिट होगा, यानी कि युद्ध जो है ये लाभ और हानि के लिए युद्ध हो रहा है। इसी प्रकार से जर्मनी ने जब हिटलर ने जर्मनी मतलब जर्मनी का जो हिटलर था जब इसने युद्ध किया तो इसने भी यही कहा कि जर्मनी का लाभ इस युद्ध को जीतने में है। पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है, वो क्या कहता है? इस युद्ध का लाभ पाकिस्तान को जीतने में, यानी कि राष्ट्रहित क्या युद्धों से बंधे हुए हैं। तो ऐसे में कई बार जितने भी आप युद्ध पढ़ोगे, इस समय रूस भी यही दुहाई दे रहा है कि अगर हम इस युद्ध में रुक गए तो क्या होगा, ये हमारे लिए विनाशकारी होगा, यूक्रेन पीछे इसलिए नहीं हट रहा है, उसे लग रहा है ये विनाशकारी होगा। तो वास्तव में बात ये आ रही है कि राष्ट्रहित के लिए युद्ध लड़े जा रहे हैं या अपने मनमानी तरीके करने के लिए युद्ध लड़े जा रहे हैं, साधारण जनता को क्या प्रॉफिट मिल रहा है। हंस मार्गेंतु इस बात को स्पष्ट भी कर रहे हैं कि वास्तव में राष्ट्रहित क्या होना चाहिए, लेकिन इस विचारधारा का अपना कोई स्थान है नहीं। तो उनके अनुसार राष्ट्रहित का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त कर लेना। जब ज़्यादा शक्ति प्राप्त करने की बात होती है तो इसके लिए सहयोग भी हो सकता है और द्वंद्व भी होता है, सहयोग कम होता है और द्वंद्व ज़्यादा होता है। तो राष्ट्रहित की परिभाषा अगर आप देखोगे तो क्या वो आर्थिक व्यवस्था का विकास करना है, राजनीतिक व्यवस्था का विकास करना है, अपने सामाजिक और संस्कृति को बढ़ावा देना है, आखिर राष्ट्रहित क्या है, ये यथार्थवाद का मूल स्रोत है। और यथार्थवाद ये कह भी रहा है कि अपने राष्ट्रहित को बढ़ावा देने के लिए हमेशा देशों के बीच में संघर्ष होते हैं और इसकी वजह से युद्ध होता है। हालांकि इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी किया जाता है कि राष्ट्रहित क्या है, इसके प्रश्न अभी भी दिक्कत करते हैं, कि राष्ट्रहित की वृद्धि कमजोर देशों पर अत्याचार करने की छूट प्रदान करती है, यानी कि जब आप अपने देश का लाभ चाहते हो तो कई बार आप दूसरे देश की हानि भी कर देते हो, तो फिर ऐसे राष्ट्रहित का क्या फ़ायदा जो दूसरे की हानि के दम पर मिले हमें। अगर हम अपने कल्चर को श्रेष्ठ दिखाते हैं तो दूसरे कल्चर को हमें क्रिटिसाइज करना पड़ता है, अगर हमें अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो हम ये चाहेंगे दूसरे देश की इकोनॉमी ना आगे बढ़े,
हम अपने देश की सेना को तैयार इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरे देश की सेना को हरा सकें। तो ऐसे में राष्ट्रहित क्या है, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। अगली अवधारणा ये है राष्ट्र शक्ति, यानी कि क्वेश्चन पूछे यथार्थवाद की प्रमुख अवधारणाएं क्या है, तो राष्ट्रवाद की पहली अवधारणा है राष्ट्रहित, दूसरी अवधारणा है राष्ट्र शक्ति। अब प्रश्न ये उठता है शक्ति क्या है, तो बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि शक्ति भाई किसी व्यक्ति की वो सामर्थ्य है, शक्ति किसी व्यक्ति की वो क्षमता है जिसके द्वारा वो दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और कार्यों को कंट्रोल कर ले, मैन्स कंट्रोल ओवर द माइंड्स एंड एक्शन ऑफ अदर मैन। यानी कि शक्ति वो सामर्थ्य है जिसके द्वारा एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के मस्तिष्क को कंट्रोल कर ले, अन्य व्यक्ति को कार्यों को नियंत्रित कर ले, उसे बोलते हैं हम क्या, शक्ति। अब राष्ट्र शक्ति ये चाहती है कि हर देश ये चाहता है कि वो पूरे वर्ल्ड पर अपना दबदबा स्थापित कर सके, हर देश मेरे हिसाब से रिलेशन रखे, हर देश मेरे हिसाब से डिसीजन ले, तो इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, इसी चीज़ को हम बोल रहे हैं राष्ट्र शक्ति। इसको लेकर भी युद्ध होते हैं, तो यथार्थवादी इसके बारे में दो पक्ष रखते हैं, एक है तर्कसंगत। तर्कसंगत अवधारणा ये कहती है कि इसका प्रयोग शून्य स्थान में नहीं होना चाहिए। दूसरा शक्ति का सापेक्षिक अवधारणा है जो ये कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इतनी चीज़ पर्याप्त है ही नहीं कि हम किसी के सामर्थ्य का अनुमान लगा लें, हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी शक्ति के साथ साथ दूसरे की शक्ति को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि एक तरफ तो राष्ट्र शक्ति का अवधारणा ये कहती है आप अपनी शक्ति को बढ़ाइए और युद्ध लड़िए, दूसरा ये कहता है अपनी शक्ति को समझने से ज़्यादा जरूरी होता है दूसरे की शक्ति को भी समझना, क्योंकि दूसरे की शक्ति का आकलन किए बिना कभी भी आप युद्ध नहीं जीत सकते, और इसी चक्कर में संघर्ष होते रहते हैं कि कौन सा देश सामर्थ्यवान है कौन सा देश सामर्थ्यवान नहीं है। राष्ट्र शक्ति की अवधारणा के लिए हम ये देखते हैं किसी देश की जनसंख्या कितनी है, भूमि का आकार कितना है, संसाधनों की स्थिति कितनी है, उसकी इकोनॉमी पावर कितनी है, सैनिक बल कितना है, राजनीतिक स्थायित्व कितना है, कौशल कितना है। तो जब भी कहीं युद्ध होना जा रहा है तो उसमें हम राष्ट्रहित के बाद राष्ट्र शक्ति पर भी ध्यान देते हैं। जैसे कि आप देखते हो बहुत भारत में दो प्रकार के लोग आपको मिल जाएंगे, एक कहेंगे हम चीन से युद्ध क्यों नहीं लड़ लेते, वो सीमा को कब्जा क्यों नहीं कर लेते, वो ना पता क्या है, वो राष्ट्रवाद की भावनाओं से ओतप्रोत हैं, वो वास्तविकता को नहीं दे रहे, वो यथार्थवाद को नहीं देख रहे कि अगर हम परमाणु बमों का कंपैरिजन करें तो चीन और भारत में कितना डिफरेंस है, पनडुब्बियों में अगर हम कंपैरिजन करें तो कितना डिफरेंस है, सेना में कंपैरिजन करें तो कितना डिफरेंस है। लेकिन यथार्थवादी विचारधारा इस बात पर बल देती है। यथार्थवादी अवधारणा में जब हम तीसरा पक्ष पढ़ते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होता है कि भाई अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ाई कि यथार्थवाद की प्रमुख अवधारणाएं तीन है, राष्ट्रहित, राष्ट्र शक्ति और राष्ट्र सुरक्षा। अब जो तीसरा ये राष्ट्र सुरक्षा है, राष्ट्र सुरक्षा का मतलब ये होता है कि जैसे कि हेनरी किसिंगर ने कहा है किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा उसका पहला उत्तरदायित्व होता है, यानी किसी भी देश की सरकार की जिम्मेदारी सबसे पहले ये होती है कि वो अपने देश की एकता अखंडता और संप्रभुता पर किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क ना लगने दें। अगर हम किसी से कोई समझौता कर रहे हैं तो उस समझौते में हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि हमारी जो निर्णय लेने की शक्ति है, हमारी जो संप्रभुता है, ये खतरे में ना पड़ जाए। अगर हम किसी से संबंध बनाएंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप में तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस देश वो देश हमारी एकता और अखंडता को ना प्रभावित कर ले। मान लीजिए हम किसी जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद ना हम अमेरिका से मिले ना सोवियत संघ से मिले, क्यों, क्योंकि अगर हम अमेरिका से मिल जाते तो हमें अपने डिसीजन जो लेने पड़ते वो अमेरिका के हिसाब से लेने पड़ते और ऐसे में हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लगी थी। अगर हम सोवियत संघ से मिल जाते तो सोवियत संघ के हिसाब से हमें डिसीजन लेना पड़ता जिसकी वजह से हमारी राष्ट्र सुरक्षा दांव पर लग जाती। इसलिए हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अपनाया ताकि दोनों ही शक्तियों से दूर रहें। तो एक देश अपनी फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से सेट करता है कि अगर मुझे किसी देश के साथ रिलेशन बनाना है तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस देश से संबंध बनाते हुए मेरी डिसीजन मेकिंग पावर तो कहीं कम नहीं हो रही है। यानी कि मान लो मैं किसी से संबंध बना रहा हूं तो मैं इस चीज़ का जरूर ध्यान देखूंगा कि कहीं मेरी स्वतंत्रता में तो कमी नहीं आ रही है। सेम इंटरनेशनल रिलेशनशिप में यही होता है, जब हम किसी देश से संबंध बनाते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कहीं हमारी स्वतंत्रता में तो कमी नहीं हो रही है। इसे ही बोलते हैं हम राष्ट्रीय सुरक्षा। आगे इस चैप्टर में जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ये बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के यथार्थवादी उपागम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी उपागम के महत्वपूर्ण सिद्धांत की आप बात करेंगे तो ये भी तीन हैं, एक है संघर्ष का सिद्धांत, एक है शक्ति संतुलन का सिद्धांत और एक है अवरोध का सिद्धांत, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी। सबसे पहले हम संघर्ष की बात करते हैं तो यथार्थवादी उपागम का यह सिद्धांत ये कहता है, जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है, कि मानव का स्वभाव ही संघर्ष केंद्रित है और वे ही यथार्थवाद की मूल्य मान्यता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा, अगर हम ये कहें कि कोई हर एक व्यक्ति अपना निजी हित चाहेगा, अब हर एक देश अपनी राष्ट्र सुरक्षा चाहेगा, हर एक देश अपनी राष्ट्र शक्ति को सर्वोच्च समझेगा, तो संघर्ष तो होते ही रहेंगे। तो किसी भी राज्य की ये ना समझिए,
अगर वो ये सोच रहा है कि वो अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए वो दूसरों पर निर्भर रहेगा, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर कोई देश दूसरे पर डिपेंड है और ये सोच रहा है कि हम सुरक्षित हैं, तो ये उसकी नासमझी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना ही ऐसी हुई है, इंटरनेशनल जो ऑर्डर बना है वो बना ही इस तरीके से है जिसमें लगातार संघर्ष चलते रहेंगे। जो देश दूसरे देश का बिल्कुल समर्थक है, जो देश दूसरे देश का बिल्कुल मित्र है, उनके बीच में भी कभी भी युद्ध हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मित्रता, विश्वास और सम्मान का कोई स्थान नहीं है, ऐसा कह रहा है यथार्थवाद। ये अपने संघर्ष के सिद्धांत में कह रहा है। अंतर्राष्ट्रीयवाद प्राकृतिक सौहार्द की बात ही नहीं कर रहा है, यानी कि यथार्थवाद ये कह रहा है, सौहार्द मतलब भाईचारा, भाईचारे की भावना होती ही नहीं है। यथार्थवाद ये कहते हैं हर राज्य अपने आप को उच्चतर स्थिति में लाना चाहता है और इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी कोई संस्था नहीं है जो युद्धों को रोक सके, इसलिए हमेशा अराजकता रहेगी, हमेशा संघर्ष रहेगा। मार्गेंटो ने अपनी किताब पॉलिटिक्स एमंग नेशंस में द स्ट्रगल ऑफ पावर एंड पीस में लिखा भी है ये बात कि राजनीतिक शक्ति, अगर हम बात करें तो हम क्या सोच रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर, हमारे डिसीजन क्या हैं, ये सब संघर्षों को बढ़ावा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं तो दूसरा देश भी अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा और ऐसे में एक ट्रेड वॉर चल जाएगा, जैसे अमेरिका और चाइना में इस समय ट्रेड वॉर चल रहा है, क्योंकि कोई देश चाहता ही नहीं कि हमारे से ऊपर कोई हो सके। और जब कोई देश ये चाह ही नहीं रहा है कि हमारे से ऊपर किसी की भूमिका हो सके, किसी की शक्ति हमसे ज़्यादा बढ़े, तो ऐसे में संघर्ष रहेंगे। तो शक्ति की खोज, शक्ति के लिए संघर्ष, इसका मतलब ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हमेशा संघर्ष होता रहता है, एक स्थिति बनी रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही युद्ध चलता रहे। दूसरा सिद्धांत है शक्ति संतुलन का सिद्धांत। देखो शक्ति संतुलन क्या होता है, पावर बैलेंस क्या होता है। शत्रु देश के बराबर या अपने पड़ोसी देश के बराबर शक्ति अर्जित करना शक्ति संतुलन कहलाता है। तो युद्ध को रोकने में शक्ति संतुलन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। फॉर एग्जाम्पल, कोल्ड वॉर के दौरान यानी कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ दोनों का पल्ला बराबर था, इसी वजह से दोनों के मध्य सीधा संघर्ष नहीं हुआ। तो जब दो देशों की शक्ति बराबर में आ जाती है, शक्ति संतुलन में आ जाता है, तो शक्ति संतुलन होने के बाद दोनों देशों में कभी युद्ध नहीं होता है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत ये भी कहता है कि एक देश अपनी सैनिक क्षमताओं को बढ़ाकर, सेना में भर्ती करके, हथियारों खरीद कर अपना शक्ति संतुलन स्थापित कर सकता है, लेकिन हर देश की अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी नहीं है कि वो इतने सारे हथियारों खरीद सके, अपनी सेना में भर्ती कर सके। तो वो क्या करता है, वो गठबंधन करता है, दूसरे देशों के साथ मिल जाता है। जैसे शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने एक ग्रुप बनाया नेटो, तो नेटो में बहुत सारे लोग शामिल हो गए। सोवियत संघ ने वारसा बनाया, तो वारसा में बहुत सारे लोग शामिल हो गए। ऐसे इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय क्वैड नाम का एक संगठन चल रहा है जिसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, ये चीन के विरुद्ध बनाया गया है। तो शक्ति संतुलन में क्या है, शक्ति संतुलन में ये है कि आप अपने सैनिक पावर को बढ़ाइए, अपने जो है हथियारों की जो पावर उसे बढ़ाइए, या फिर दूसरे देशों के साथ गठबंधन कीजिए। तो शक्ति संतुलन युद्ध नहीं होने देता, फिर भी अगर शक्ति संतुलन समाप्त होता है तो उसका कारण या तो युद्ध होगा या हमेशा शांति बनी रहेगी। तो शक्ति संतुलन सिद्धांत यहाँ पर यही बात कह रहा है। आगे अवरोध का सिद्धांत है। अवरोध का मतलब होता है रुकावट। अवरोध का सिद्धांत भी शक्ति संतुलन का ही दूसरा नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है। इसे परमाणु कूटनीति कहते हैं क्योंकि आज का युग परमाणु युग है। तो ऐसे में जब दोनों देशों के पास परमाणु बम रहेगा तो ऐसे में युद्ध ना होने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि अगर एक देश परमाणु का प्रयोग करेगा तो दूसरा देश भी परमाणु का प्रयोग करेगा। तो अवरोध के सिद्धांत का मतलब यह है कि आज एक देश या एक गुट के पास अगर परमाणु शस्त्र हैं तो ऐसे में अवरोध यानी कि रुकावट का काम करता है, क्योंकि दूसरा पक्ष कभी भी युद्ध के खतरे को लेखना नहीं चाहता है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, 1999 में भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान ने यह धमकी दी कि वो भारत पर परमाणु बम गिरा देगा, तो अटल जी ने यह कहा कि अगर पाकिस्तान हम पर परमाणु बम गिराता है तो मैं अपने देश के 20 करोड़ लोगों को खोने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कल पाकिस्तान का जो नक्शा है वो विश्व के नक्शे से गायब हो जाएगा, जिसकी वजह से युद्ध में परमाणु का प्रयोग ही नहीं हुआ। यानी कि परमाणु युद्ध जो है, ये सभी को पता है कि विभीषिका का युद्ध है, इसमें नामो निशान तक मिट जाएगा देशों का। तो इसलिए परमाणु जो शक्ति है ये भी कहीं ना कहीं अवरोध का सिद्धांत कर रही है, रुकावट का काम कर रही है, जो कहीं ना कहीं संघर्षों को बढ़ा तो रही है लेकिन वास्तविक संघर्ष को नहीं होने दे रही है। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी उपागम के महत्वपूर्ण सिद्धांत बताओ, तो संघर्ष का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत और अवरोध का सिद्धांत आप बताएंगे। चैप्टर यहीं पर खत्म होता है, आगे इस चैप्टर का सारांश दिया है। चैप्टर से जो प्रश्न बनते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत में यथार्थवादी उपागम के बारे में बताइए, तो यथार्थवादी उपागम के बारे में पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है। यथार्थवादी की पूर्व मान्यता यानी कि प्राचीन यथार्थवाद के बारे में बताना है, फिर प्राचीन यथार्थवाद और नव यथार्थवाद में अंतर बताना है, यथार्थवाद में प्रमुख अवधारणाएं बतानी है, या फिर राष्ट्रहित की धारणा या राष्ट्र के वास्तविक हितों का प्रतिनिधित्व कौन सी चीजें करती हैं,
यथार्थवाद के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अराजकता की संज्ञा देना उचित है? नहीं, आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल अराजकता है, क्योंकि अराजकता का मतलब होता है हमेशा संघर्ष हो। तो वैसे तो अराजकता के बारे में यथार्थवाद कह रहा है कि हाँ भाई संस्थाएं नहीं है, बट फिर भी यूएनओ जैसी संस्थाएं कुछ हद तक काम कर रही हैं। और सुरक्षा दुविधा क्या है? तो ये सारे सारे सातों के साथ क्वेश्चन आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। आशा है ये लेक्चर आपके लिए उपयोगी रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ताकि और सब्जेक्ट कोड और जो चैप्टर बनेंगे उसमें हम वो सुधार कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।